हेलो फ्रेंड, आज हम लोग DCR सोलर PV मॉड्यूल के बारे में जानेंगे कि DCR सोलर PV मॉड्यूल क्या है। अभी ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि DCR सोलर PV मॉड्यूल इंडिया में जो बन रहा है वो है क्या। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को समझना होगा DCR का फुल फॉर्म। DCR का फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सोलर पैनल इंडिया के यूज के लिए बने और वो इंडिया में ही निर्मित हो तो उसको बोलते हैं DCR सोलर पैनल। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको दूसरे मीनिंग में ये समझिए कि सोलर पैनल और जो कंपोनेंट यूज होते हैं सोलर पैनल के मैन्युफैक्चरिंग में, वो आपको इंडिया का ही बना होना चाहिए, तो वो आपको DCR सोलर पैनल कहलाएगा। DCR सोलर सेल क्या है? देखिए, सोलर पैनल बनने के लिए जो सबसे मेन की कंपोनेंट होता है वह है सोलर सेल। तो सोलर सेल आपको सबसे पहले इंडिया में ही बना होना चाहिए। अगर सोलर सेल इंडिया में निर्मित है तो उसको बोलते हैं DCR सोलर सेल। DCR सोलर सेल के साथ साथ DCR सोलर मॉड्यूल के लिए जो कंपोनेंट रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे कि इनकैप्सुलेंट, बैक सीट, टफन ग्लास, ETC, ये सब भी आपको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है, तो ये कंप्लीट मिलके आपको DCR सोलर पैनल कहलाता है। यानी सोलर सेल के अलावा जो और भी कंपोनेंट यूज होते हैं वो भी आपको इंडिया में बने होते हैं, और जब सबको मिला के सोलर पैनल बनता है तो वो आपको DCR सोलर पैनल कहलाते हैं। अब देखिए, कभी कभी सुनने में आता है कि इंडिजीनियस सोलर PV मॉड्यूल ये क्या है। तो इंडिजीनियस सोलर PV मॉड्यूल DCR सोलर पैनल को ही कहते हैं। इंडिजीनियस मतलब हो गया आपको इंडिया में बना हुआ सोलर पैनल। तो इसका एक वो स्लोगन, मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर इंडिया। मेड इन इंडिया मतलब हो गया आपको इंडिया में बना हुआ, और मेड फॉर इंडिया मतलब इंडिया के लिए बना हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये आदेश है कि अब जो सोलर पैनल लगेंगे ऑन ग्रिड सिस्टम में, वो आपको DCR सोलर पैनल ही होना चाहिए। अगर आप DCR सोलर पैनल लगाएंगे तभी आपको सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाएगी, अन्यथा नहीं। अगर आप DCR सोलर पैनल के अलावा कोई दूसरा पैनल यूज करते हैं तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि आपको सोलर सेल इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है, उसके कुछ लिस्ट दिए गए हैं। इसके अलावा भी और भी कंपनियां बनाती हैं, लेकिन उनमें से कुछ लिस्ट दिए हुए हैं। ये देखिए, आपको है रेनुसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद है वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड, जुपिटर सोलर पावर लिमिटेड, और है अदानी सोलर। इसके अलावा भी और भी कंपनियां हैं। तो ये देखिए, आपको रेनुसिस का लोगो है। रेनुसिस अगर सोलर पैनल आपको मिलेगा तो इस टाइप का उसमें लोगो लगा हुआ रहेगा। रेनुसिस का 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडिया में। एक मैन्युफैक्चरिंग है उसका हैदराबाद में, जो कि सोलर पैनल और सोलर सेल बनाती है। दूसरी है बेंगलुरु में, जो कि इनकैप्सुलेंट्स और बैकसीट बनाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये है आपको वेबसोल का लोगो। अगर सोलर पैनल पर ऐसा लोगो बना हुआ है तो आपको ये वेबसोल कंपनी का है, ये DCR सोलर पैनल ही है। उसके बाद है ये जुपिटर का लोगो, उसके बाद ये अदानी सोलर का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।